झारखंड में मॉनसून पटरी पर लौट आया है। जून और जुलाई में मॉनसून ने निराश किया था, लेकिन जुलाई के अंत में अच्छी बारिश से किसानों को राहत मिली है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 28% किसानों ने धान रोपनी भी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। जुलाई के अंत में मॉनसून झारखंड में मेहरबान नजर आई। लगातार अच्छी बारिश हुई, जिनके नतीजे फिलहाल झारखंड की औसतन बारिश की कमी की सूचकांक 38% पर पहुंच गई है, जो पिछले 10 दिन पहले 58 पर थी। कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो अब तक रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में कुल मिलाकर 31.32% धान रोपनी हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगे लगातार अच्छी बारिश होने की संभावना है। अभी तक तो जो आज की स्थिति है, जो डिपार्चर है, उसमें काफी कमी आते हुए -38% आ गया है, और यही डिपार्चर तो +-19% में नॉर्मल रेंज आ जाता है। तो हम लोग उम्मीद जैसे कर रहे थे कि जुलाई के हिसाब से मॉनसून थोड़ा पिकअप करेगा, वैसे ही पिकअप किया है मॉनसून। और अभी अगस्त और सितंबर में हम लोग होपफुल हैं, क्योंकि एक तो जो लानीना वाला सिचुएशन है वो भी थोड़ा सा हेल्प करेगा, साथ में इंडियन ओशन डाइपोल वाला भी सिचुएशन हेल्प करेगा। और एक मॉनसून पहले ही 15 दिन देर से झारखंड पहुंचा और आने के बाद भी निष्क्रिय रहा, जिसके कारण एक बार फिर प्रदेश में सूखा की संभावना जताई जा रही है। बहुत सारे किसानों ने मन बना लिया था कि इस बार खेती नहीं करेंगे, लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी बारिश हुई। चतरा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा को छोड़ दें तो रांची, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, गोड्डा और बोकारो में अभी 30% के आसपास कम बारिश हुई है, जो आने वाले दिनों में पूरी हो जाने की संभावना है। एक हफ्ता में काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, खासकर लास्ट 10 दिनों में। और आप लोग फील्ड में भी देख रहे होंगे तो हर जगह रोपनी वाली स्थिति हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही थी वहाँ भी स्टार्ट हो गई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रोपनी का जो परसेंटेज है बहुत तेजी से बढ़ेगा आने वाले दिनों में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।